आज यहाँ पे अर्बन क्रूजर टाइजर जो है लॉन्च हुआ है आज, लेकिन दादा सर क्या ऑफर देता है कि नहीं उसका कमजोर टोयोटा से, वो हम जानने के लिए कोशिश। सर आप इतने सारे कार डीलर का मालिक है सर, अरुणाचल में आप सबसे टॉप में है, लेकिन आप आज लोग जानना चाहता है कि आप ऑफर दे रहा है कि आपका टोयोटा जो अभी अर्बन क्रूजर सेम टू सेम मतलब प्रॉन्स का जैसा है, ये कितना मतलब अलग होगा सर्विस में लेके? आपका ग्रिल चेंजेस है, हेडलैम्प चेंजेस है, तो बहुत सारे इंटीरियर कुछ चेंजेस है इसमें। प्रोंग से काफ़ी अच्छा ही मतलब ये है, देखने में भी हो कुछ भी हो। आप अभी टोयोटा से लेंगे आपका हर पार्ट्स अभी यहाँ सपोज लगा लीजिए, आप चल थोड़ा बाहर जाके दो तीन दिन बाद अगर सप्ताह भर बाद भी टूट गया तो उसका यहाँ हम लोग के यहाँ पे वारंटी होते हैं। तो फिर आप विदाउट पेइंग एनी प्राइस, कॉस्ट नहीं देके फिर आप रिप्लेस कर सकते हो। 7,50,000 से स्टार्ट होके 13,00,000 तक है इसका। सर आज आप टोयोटा का जो टाइजर है नया कार है, इसका इनॉग्रेशन पे आया है आपने एज ए चीफ गेस्ट, तो आपको कैसा लगा ये टाइजर को लेके? दोस्तों नमस्कार, एटीटीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं तची शक्ति। दोस्तों आज हम आए हुए हैं कमदिर टोयोटा लेकी विलेज नाहरलगन। तो आज मैं बता दूं, आज अरुणाचल पूरे अरुणाचल में बोल सकते हैं कि जो टोयोटा का है अर्बन क्रूजर टाइजर बोल के एक यहाँ पे नया कार एक लॉन्च हुआ है। तो इस कार के बारे में जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इंजन स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद ये कैसे दिखती है मतलब, तो पूरा हम आप सभी को एक 360 दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, चाहे आप एक्सटीरियर कह लीजिए या इंटीरियर कह लीजिए। और इसका ये शायद आप सभी को लग रहा होगा देखने में मारुति सुजुकी का प्रोंक्स जैसा। हाँ जी बिल्कुल, आप सही सोचा और सही देखा, ये प्रोंक्स का ही वहाँ से मॉडल को लेके ये बनाया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी लेके आया है, चाहे आप इंटीरियर बोलिए या एक्सटीरियर बोलिए, दोनों में कुछ बदलाव है। प्रोंक्स से ये थोड़ा कुछ अलग है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और ये कितने प्राइस से स्टार्ट है, बुकिंग कैसे रहेगा, और हमें ये भी पता चला है यहाँ फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सब डिटेल में हम जानेंगे अभी। आप हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। निगला ग्रुप को मैं पहले भी उनका ये हीरो का बाइक का इनोवेशन करने आया था, आज भी सेकेंड टाइम आया है। निगला ग्रुप का पास में 750 एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें से नियर अबाउट 80% ट्राइबल लोग होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक गवर्नमेंट का बराबर एक काम कर रहा है देखा जाएगा तो। इसलिए मैं निगला ग्रुप को बहुत ही बधाई देता हूँ और ऐसे आगे सर्विस करते रहे हमारे स्टेट के लिए। सर आज आप टोयोटा का जो टाइजर है नया कार है, इसका इनॉग्रेशन पे आया है आपने एज ए चीफ गेस्ट, तो आपको कैसा लगा ये टाइजर को लेके? टाइजर गाड़ी तो बहुत अच्छा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसका जो कॉस्ट रेंज भी ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, मैं अंदर भी बैठ के देखा बहुत बढ़िया है, एंड अरुणाचल के लिए अच्छा होगा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है इसका, एंड इसका हाईएस्ट मॉडल भी 13,00,000 के करीब आता है, सो इट इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर पीपल वांट टू हैव ए स्मॉल कार। सो आई रिकमेंड दिस कार सभी कस्टमर को कि इसको ट्राई करके देखिए। आप खुद टोयोटा यूज करते हैं सर, इसको किन लोगों को ये फिट हो सकते हैं ये टाइजर? ये तो मेरा ख्याल से यूथ लोगों को, वुमेन को, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छा है बहुत। यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम तदा सर से जानेंगे क्योंकि वो ओनर है, इसके बारे में गाड़ी के नॉलेज बहुत सारे है सर के पास, तो हम सर को पूछेंगे। लेकिन जब हम टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर को जब देखते हैं तो बराबर एक मारुति सुजुकी का जो प्रोंक्स है उसका बराबर जैसा लगता है,
तो हम सीधे दादा सर को पूछते हैं, ये सर अर्बन क्रूजर, ये आपका जो टाइजर है ये प्रोंक्स जैसा दिख रहा है, मतलब कुछ लेना देना है कि मारुति और टोयोटा में? सर दोनों ये प्रोंक्स ही है क्योंकि ये मारुति का प्रोडक्ट है, तो दोनों मारुति और टोयोटा फिलहाल क्या कर दिया कि इंडिया में सेम फ्रेंचाइजी में आ गया, सिस्टर फ्रेंचाइजी में। तो टोयोटा का जितना प्रोडक्ट है वो मारुति को देते हैं, मारुति का जो प्रोडक्ट है वो टोयोटा को देते हैं। तो आपने सही पूछा कि ये प्रोंक्स ही है, लेकिन इसमें थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन लाया गया है। तो आपका ग्रिल चेंजेस है, हेड लैम्प चेंजेस है, तो बहुत सारे इंटीरियर कुछ चेंजेस है इसमें। प्रोंक्स से काफ़ी अच्छा ही मतलब ये है, देखने में भी हो कुछ भी हो। फिर इसके बाद में आपका दोनों का सर्विस का बात होगा। इंजन का तो सर इंजन स्पेसिफिकेशन तो दोनों का सेम है, प्रोंक्स बोलिए मारुति का और टोयोटा का, ये अर्बन क्रूजर टाइजर बोलिए, दोनों सेम है। लेकिन अभी जब सर्विसेज का बात करते हैं तो अरुणाचल में आप कुछ जानते हैं, आप यही का है था सर, यहाँ पे मारुति सुजुकी वैसे तो शायद लीडिंग कर भी रहा होगा मेरा ख्याल से। तो सब लोग जो बोलता है कि लोग मारुति की ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उसका सारे सर्विस भी किफ़ायती रेट में बन जाता है और अच्छा देता है सर्विस, ये कहना है लोगों को। तो आपका टोयोटा जो अभी अर्बन क्रूजर सेम टू सेम मतलब प्रोंस का जैसा है, ये कितना मतलब अलग होगा सर्विस में लेके? सर्विस का बेनिफिट वही है, सेम तो गाड़ी तो वही सेम है, लेकिन स्लाइट चेंजेस इंटीरियर में चेंजेस है, टेक्नोलॉजी एज इट इज है, लेकिन जो भी बाहर का लुक्स होगा उसमें चेंजेस देखेंगे। और सर्विस में टोयोटा और मारुति सुजुकी में यही चेंजेस है कि मारुति इसको 2 ईयर्स का वारंटी देंगे, इंजन वारंटी या कोई इसका कोई भी पार्ट्स का, इस पर पार्ट्स के 2 ईयर्स वारंटी है। टोयोटा हम लोग इसको 3 ईयर्स का वारंटी देते हैं, प्रति थाउजेंड किलोमीटर आइडर 1 लाख किलोमीटर, ये टोयोटा का है, वो अंदर तक इसको मतलब ये में इंश्योरेंस में कवरेज है, मतलब वारंटी में कवरेज है। लेकिन मारुति का इससे कम है, मारुति का 40,000 में होगा और या तो 2 ईयर्स में है। तो जहाँ तक सर्विस का बात है, आप देखिए, मैं किसी ब्रांड को कंडेम तो नहीं करना चाहिए, पुराना जमाना में पब्लिक का एक ये था कि मारुति को लेने से सर्विस इजी मिलता है, तो इजी नहीं होते थे, मारुति भी वही थे, लेकिन प्रॉब्लम ये उसमें ये था कि उस समय में स्पेयर पार्ट्स जो मारुति का ये कहीं से भी उठा के लेके आते थे, जो जेन्यून पार्ट जिसको नहीं बोलते हैं। तो हम लोग बाकी जितना भी, आजकल मारुति का भी जेन्यून पार्ट्स आने लगा, तो जब जेन्यून पार्ट नहीं होते थे, कहीं से दिल्ली से लाया हुआ या सिलीगुड़ी से लाया हुआ, गुवाहाटी से लाया हुआ, कोई यहाँ कोई हर रास्ता में जितना भी आप प्राइवेट वर्कशॉप देखेंगे, दो आदमी रखेंगे, दो लड़का रखेंगे, फिर एक हथौड़ा होगा, लिफ्ट लगाता भी नहीं है, तो वो लोग जो है नॉन जेन्यून पार्ट्स बेचते हैं। आज आप लगा लीजिए, अगर चल गया तो साल भर चलेगा, नहीं चला तो 1 घंटा में ख़राब हो जाएगा, जिसका कोई वारंटी नहीं है। तो आप अभी टोयोटा से लेंगे, आपका हर पार्ट्स अभी यहाँ सपोज लगा लीजिए, आप चल थोड़ा बाहर जाके 2-3 दिन बाद, अगर सप्ताह भर बाद भी टूट गया तो उसका यहाँ हम लोग के यहाँ पे वारंटी होते हैं। तो फिर आप विदाउट पेइंग एनी प्राइस, कॉस्ट नहीं देके फिर आप रिप्लेस कर सकते हो, यही है टोयोटा का। और कोई इसका मतलब कि आजकल जैसे आपका मारुति में भी वो पहले वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, इन लोग का भी आजकल जेन्यून ही आते हैं, लेकिन जैसे आपका बड़ा जितना नेक्सा का हो गया और एरिना का हो गया, दोनों में आजकल आप लोग समझने में गलत मत कीजिए, सब ये एरिना में जो छोटा एल्टो वगैरह बेचते हैं, इनका तो आज भी रास्ता पे ही बन जाते हैं, इनका स्पेयर पार्ट्स मतलब कि कोई भी हो अवेलेबल। तो इन लोग भी इस हिसाब से 2 कैटेगरी बना दिया, एक नेक्सा है, ये सबको नेक्सा में मिलेगा, तो ये सेम पार्ट्स ही होते हैं, उधर कोई अच्छा ये नहीं मिलेगा, आपको अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। सर्विस टोयोटा जितना देगा उतना ही देगा, लेकिन आप हर समय में जहाँ रेटिंग देखते हो कि इंडिया का जितना भी वर्ल्ड का जब भी ये होते हैं, इन लोग का सर्विस का एक रेटिंग देने वाला कंपनी होते हैं, तो उसमें पूछिए, हर समय टोयोटा ही आगे होते हैं मारुति से सर्विस में, सर्विस का रेटिंग में इंडिया का अंदर में भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलिए या आप स्पेयर पार्ट्स का कुछ भी ये का बोलिए, क्लीनलीनेस बोलिए, तो टोयोटा ही मारुति से आगे रहते हैं। सर आपको नहीं लगता है कि आपका गाड़ी अगर कहीं पे खराब हो जाए, वही जगह सामने पे बन जाए तो वो अच्छा है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में मारुति कुछ आगे नहीं ही होता? अभी सिर्फ मारुति सिर्फ नहीं है, यही ये कॉन्सेप्ट को पब्लिक को आप लोग का थ्रो से भी आप लोग भी बता दीजिए,
अभी कोई भी ब्रांड में, टोयोटा हो, ह्युंडई हो, किया हो, कोई भी ब्रांड, भले निसान कुछ भी एमजी हो, अभी फैन इंडिया कर दिया। अभी पुराना जमाना का जैसा सिर्फ ये कमदिर टोयोटा में ही जाके बनाना है वैसे नहीं है, अभी रोड पे टोयोटा का भी मिलेगा। पैन इंडिया में क्या कर दिया कि स्पेयर पार्ट सबको अवेलेबल कर दिया, हर किसी को, जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड होना है, सिर्फ कमदिर टोयोटा ही, पुराना जमाने में ऐसे था कि कमदिर टोयोटा ही जाके टोयोटा का पार्ट्स खरीदेंगे, अभी ऐसे नहीं। अभी आप रास्ता में, जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला, रास्ता में भी मिल जाएगा, लेकिन वो जेन्यून ही है। सर, इसका जो बेस प्राइस है वो कैसा रहेगा और टॉप कितना तक जाएगा? उसके बाद सर, इसमें और प्रॉन्क्स में क्या डिफरेंस है जो लोगों को कि लेना चाहिए टोयोटा का टाइजर, अभी जो नया नया निकला हुआ है, आप बता दीजिए। तो नहीं, इसका प्राइस डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 7,50,000 से स्टार्ट होके 13,00,000 तक है इसका। तो दोनों में मतलब कि पब्लिक इसको, कस्टमर क्यों टोयोटा में प्रिपेयर करना चाहिए बोलने से, मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, सर्विस का ये चलते, जो मारुति में आप दो साल का वारंटी है सेम गाड़ी को, लेकिन सर्विस का वारंटी टोयोटा में इसका 3 साल है। 40,000 किलोमीटर तो आप 1,00,000 किलोमीटर तक का इसका वारंटी कंपनी कवरेज है, तो सेम है, लेकिन मारुति में वो 2 साल है, आपको एक साल ज़्यादा टोयोटा आपको ऊपर दे रहे हैं। फिर इसका फीचर्स कुछ चेंज किया गया है, आगे का आप फ्रंट ग्रिल को देखिए, लाइट को देखिए, इंटीरियर में थोड़ा कुछ चेंज किया गया है। तो मेरा हिसाब से प्रॉन्स से तो कस्टमर इसको पसंद होना चाहिए, और मैं आपका चैनल का थ्रो मैं कस्टमर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ आके एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और सामने बैठ के गाड़ी को देख लीजिए, मारुति वाला प्रॉन्स में और इसमें कौन सा कितना डिफरेंस है वो देख लीजिए, और अपना जो सर्विस का आपको गाड़ी खरीदने से नहीं होते हैं, फिर सर्विस भी आपको चाहिए तो उस हिसाब से सर्विस का बेनिफिट 1 साल मारुति से ज़्यादा यहाँ हम लोग का आप बेनिफिट ले सकते हो। केवल आपका ईटानगर पूरे ट्विन कैपिटल में आपका सर्विस सेंटर यही कमदिर टोयोटा पे होगा ना, और कहीं और है? फिलहाल तो कमदिर टोयोटा में है, लेकिन आजकल सब लोग, मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, आजकल बहुत लोग खोल दिया पूरा, और उसमें आपको जेन्यून पार्ट्स ही मिलते हैं, पैन इंडिया कर दिया। पहले मतलब आपको एक जिसको रजिस्टर डीलर वही कर पाते थे, लेकिन पैन इंडिया होने का वजह से लास्ट 2 ईयर्स से स्पेयर पार्ट्स पूरा अवेलेबल है, कंपलसरी नहीं सिर्फ कमदिर टोयोटा में, बस कमदिर टोयोटा में या मारुति का या कोई भी ये ऑथोराइज डीलर में एक बेनिफिट आपको वही होता है कि यहाँ आपको सारे कंप्यूटर सेट मिलेंगे, इसका अपना इंजन का, इसका कोई अपना और स्पेशल किट्स जिसको बोलते हैं, अभी उसको इधर बताऊं तो पता नहीं चलेंगे, लेकिन जब आप उस सर्विस के लिए वर्कशॉप में आएंगे तब आप देखेंगे कि हर गाड़ी के लिए अलग अलग स्पेशल टूल होते हैं खोलने के लिए, और उसमें कंप्यूटर कनेक्ट करके किस कोई अगर ये इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई सर्किट का प्रॉब्लम होगा तो ये पता कर सकते हैं सिर्फ ऑथोराइज डीलर में, और ये बाहर का जितना रोड किनारे में जो बनाया हुआ है इन लोग में वो चीज़ नहीं होते हैं, तो कस्टमर समझ लेते हैं उधर भी जाके वही होता है, बराबर है सोचता है, लेकिन बराबर नहीं है। हमारे यहाँ आप जब आएंगे तो आपको देखिए पूरा एसी रूम में हम लोग बिताते हैं सब कुछ, लेकिन उधर आप खड़ा करोगे तब भी आपको वही सेटिस्फाई होता है, यही मतलब ये कॉन्सेप्ट को, और उधर बाहर में आपको वारंटी नहीं देंगे, आप बनाइए ये गाड़ी को, कोई भी गाड़ी को बाहर में बनाइए, ह्युंडई हो, मारुति हो, टोयोटा, किसी को बाहर में बनाइए आपको नहीं मिलेगा, वारंटी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बनाने का ऑथोराइज डीलर में बनाने का वही फायदा है कि आपको वारंटी मिलेंगे, जैसे कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप आज लगाओगे, बाहर जाओगे टूट जाएंगे, फिर 1 सप्ताह बाद आके आप रिप्लेस कर लीजिए विदाउट पेइंग ए कॉस्ट, ये है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका टोयोटा कमदिर टोयोटा से टाइजर लेना चाहता है कोई, तो उसका उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई इंक्वायरी भी करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ बुकिंग ऑप्शन है? और सर, वेटिंग पीरियड है कि नहीं बुकिंग का, आप बता दीजिए। तो अगर कोई अभी आपके थ्रो, आपका चैनल का थ्रो अगर कोई इसको देख के बुकिंग करना भी चाहेंगे तो बस कमदिर टोयोटा का अपना फेसबुक पेज है, उधर देख लीजिए, वहाँ पे नंबर भी है, या तो निगला ग्रुप ऑफ कंपनीज में सारे सभी स्टाफ के सभी ऑफिसर लोगों के कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, उसका नंबर लेके कॉल कर लीजिए। ये नहीं हुआ तो आप आके डीलर में आके
टेस्ट ड्राइव भी ले लीजिए, सिर्फ बुकिंग ही मत कीजिए, टेस्ट ड्राइव भी ले लीजिए। गाड़ी इधर है, पड़ा हुआ है और वेटिंग पीरियड अभी ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो वेटिंग पीरियड होने का सवाल ही नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ, जो भी आएंगे हम लोग डिलीवरी करने को तैयार है। जब कार का डीलरशिप ओनरशिप जब बात करते हैं तो तदा सर को तो सब जानते हैं आप लोग, ह्युंडई बोलिए, एमजी बोलिए, निसान बोलिए, टोयोटा बोलिए, किया बोलिए, तो इतने सारे जो ओनर, अरुणाचल का एक लोता सार जो है, बहुत सारे ब्रांड का ओनर है, तो आज यहाँ पे अर्बन क्रूजर टाइजर जो है लॉन्च हुआ है आज, लेकिन तदा सर क्या ऑफर देता है कि नहीं उसका कामदर टोयोटा से, वो हम जानने के लिए को। सर आप इतने सारे कार डीलर का मालिक है सर अरुणाचल में, आप तो सबसे टॉप में है, लेकिन आप आज लोग जानना चाहता है कि आप ऑफर दे रहा है कि नहीं। अभी देखिए, यही सबका कंसेप्ट क्लियर भी कर लीजिए, जो भी गाड़ी हो नया नया जब लॉन्च होते हैं उसका कोई ऑफर नहीं होता है, कुछ भी, बिल्कुल भी ऑफर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप आइए, बुकिंग कीजिए, आपको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे, वही ऑफर है। अदरवाइज ये जब एक साल हो जाते हैं, प्रोडक्ट का मूवमेंट जब थोड़ा स्लो हो जाते हैं, अगर कोई भी ब्रांड, कोई भी नया लॉन्चिंग कार जो, वो उस प्रोडक्ट थोड़ा मूवमेंट स्लो हो जाता है, पब्लिक डिमांड थोड़ा कम हो जाते हैं, तब जाके कंपनी ऑफर देते हैं। तो कंपनी जब ऑफर देंगे उसी पे हम लोग साथ में, कंपनी क्या करते हैं, इन लोग 50% बियर करता है, हम लोग 50% बियर करना पड़ता है। तो अभी तो ये एकदम हॉट केक है, न्यू केक, नया केक है, इस पे ऑफर तो फिलहाल तो नहीं है। मतलब आपका तरफ से कुछ भी सर गिफ्ट? अभी तो बिल्कुल गिफ्ट नहीं है, एकदम नया नया प्रोडक्ट है। अभी हम लोग आज ही, आप देखे होंगे, हम लोग आज ही लॉन्च किया, आज ही ओपनिंग किया, तो आज इसका बिल्कुल भी ऑफर नहीं है। हाँ, अगर एक साल बाद आप आइए, ऑफर होगा, पक्का होगा। अगर कंपनी टोयोटा कंपनी देते हैं तो ऑफर आज भी देंगे, तो मैं अपना कस्टमर को देने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन टोयोटा कंपनी अभी इसको ऑफर नहीं देंगे।